यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज हम लोग मतलब एक अपने पुरानी मतलब पुरानी तो नहीं, एक दो महीने की बात है, उस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। जॉनी आपको याद होगा जो मैंने डॉग लिया था, लेब्राडोर रिट्रीवर और कैनेडियन का, इंग्लैंड मतलब इंग्लिश ब्रीड का, वो मर गया था। सही है। अब उसमें देखो, आज मैं लेटा हुआ था, पहले तो मैंने भाई कुछ चीज़ें देखी यूट्यूब पर, आप जानते होंगे अजलान शाह के नाम से, उसमें उनका एक पॉडकास्ट चैनल है, उनके दोस्त के साथ मैंने एक पॉडकास्ट देखी। उसमें क्या है, उनका दोस्त बता रहा है कि उनके पास एक जर्मन शेफर्ड था वाइट कलर का, और मतलब उसके साथ एग्जैक्टली वही सीन हुए जो मेरे डॉग के साथ हुए थे। वो बंदा बता रहा है, जैसे मैं आपको क्लिप ला मतलब क्लिप बाद में, पहले मैं आपको बता देता हूँ। वो बता रहा था कि मेरे को जैसे उसका जर्मन शेफर्ड था ना, वो पहले तो बहुत चिल्लाता था, मेरा जॉनी इतना चिल्लाता नहीं था, उसका जर्मन शेफर्ड चिल्लाता था। सही है। उसके बाद फिर उसने उसको एक पिंजरे में बड़े आले में बंद कर दिया कि वो इधर उधर ना जा सके। एग्जैक्टली ये सीन जॉनी के साथ हुआ। हमने पिंजरा तो नहीं, हमने उसको गैलरी में टाई कर दिया था, बांध दिया था हमने गैलरी में। सही है। वो भोंका जॉनी नहीं, उसका जर्मन शेफर्ड, वो बंदा बता रहा है जर्मन भोंका। हम ऊपर गए देखने के लिए, उसने घर के ऊपर बांधा हुआ था, मतलब एक फ्लोर पे, उस ऊपर गया पिंजरे में, खून खून पड़ा हुआ, खून खून खून। अब उसका तो बच गया, वो आगे जाके 3 साल तक जिया, मर गया 3 साल बाद, सेमेंट वेमेंट खा लिया था उसने, ये अलग कहानी है, ये आप उसके पॉडकास्ट में आके दे सकते हो। लेकिन वो बता रहा है उसके पिंजरे में कोई उसको जख्म नहीं, और सब देख लिया, मुँह से खून, नाक से खून, कहीं से उसका खून नहीं था, लेकिन पिंजरे में ताज़ा खून पड़ा हुआ था। और एग्जैक्टली यही सीन जॉनी के साथ हुआ था। मैं आपको जॉनी की वीडियो क्लिप लगा के दिखा सकता हूँ, ये देखो। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जॉनी है, मरा हुआ बेचारा। सही है। और दीवार पे खरोचे आप लोग देख सकते हैं, खरोचे वरोचे हैं दीवार में, और जैसे नोच रहा हो दीवार को, और यहाँ पे खून खून पड़ा हुआ है। अब एग्जैक्टली वही बंदा ये बता रहा है कि मेरे दिन तो खून खून हुआ। सही है। खून खून साइड पर पड़ा हुआ है, पता ही नहीं कहा। जॉनी का तो पाँव पर हल्का सा जख्म था, पता नहीं कैसे लगा, सुनने में आ रहा है पाइप से लगा था वो। सही है, घर वाले जो बता रहे हैं। और वो बंदा बता रहा है कि पहले खून खून जो जॉनी के साथ, वो खून खून, और वो बंदा बता रहा है पिंजरे में ना एक उसने मतलब लगाया हुआ था शीट टाइप या कुछ भी हम लोग कह सकते हैं, उस पर नाखूनों के निशान थे उसके, मतलब नोच रहा है जैसे वो कुछ कर रहा है। और यही एग्जैक्टली सेम जॉनी के साथ हुआ। जॉनी दीवार खरोच रहा था उसको, और उस बंदे की मैं आपको क्लिप लगा दूँ, जैसे ये देखें लाला। अब उसको बाहर निकलने की जगह नहीं थी, भागना तो पॉसिबल था ही नहीं। सही। हम ऊपर जाके खड़े हो गए, हमें देख रहा फिर भी ना वही रो रहा। थोड़ी देर में चुप हो गया, हम नीचे चले गए, जाके कोल्ड ड्रिंक शोल्ड्रिंक लेकर आए, ऊपर आए, मैं लाइट जलाओ, अब देखते हैं। लाला देखा पूरे उसके केज में खून ही खून, और बिल्कुल ताज़ा और अच्छा खासा खून। अच्छा। उसके पूरे केज में बिल्कुल ताज़ा ब्लड और अच्छा खासा ब्लड। डॉग को जगह जगह चेक किया, पंजे वंजे चेक किए, जख्मी कहाँ से, कहीं से कोई जख्म, मुंह से खून आ रहा था, मुंह चेक किया कोई खून नहीं। okay. समझ से बाहर था ये क्या सीन है। जैसे कि आप लोगों ने क्लिप देख ली होगी, इसमें उसने बताया कि उसको कोई भागने की जगह नहीं मिली, कुछ ऐसा सीन ही नहीं हुआ उसके साथ, और जॉनी के साथ भी वो भाग नहीं सका और वो मर गया। तो क्या इन चीज़ों के पीछे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, कोई ऐसी एंटिटी जो हम नहीं देख सकते हैं, और किसी को यहाँ हमने डिस्टर्ब कर दिया है, ये हमें समझ नहीं है। सुन भाई देखो, हमारा घर ऐसा है, हमारे घर के थोड़ा आगे कब्रिस्तान, वो हैदराबाद का बड़ा मशहूर कब्रिस्तान है, सत्तार शाह कब्रिस्तान, हमारे घर के बिल्कुल आगे लगता है वो, मतलब एक गली छोड़, हमारे घर में जो मतलब जिस गली में हमारा घर है ना, उस गली के अगले वाले हिस्से मस्जिद, और मस्जिद के साथ ही वो कब्रिस्तान, मतलब हमारी गली का अगला पूरा कब्रिस्तान का एरिया है वो। सही है। अब हुआ क्या, एक दिन ना घर वालों ने, एक मेंबर ने, वो गैलरी में जहाँ जॉनी बना हुआ था उसके पीछे, मैं हमारी गैलरी में ना बेसिकली दरवाज़ा है पहले, और वो दरवाजे पे ना एक मतलब दोनों तरफ मिरर लगा हुआ है, वो मिरर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन ऐसा है कि उसमें से आप किसी का शेडो देख सकते हो, थोड़ा ब्लरी शेडो। हमने किसी को देखा वहाँ पे कि एक ब्लरी शेडो है, वो उधर था रात के टाइम। सही है। अब देखो घर वाले कह रहे हैं ये चीज़ें सिर्फ रात के टाइम होती हैं, लेकिन मुझे लगता है भाई कुछ भी हो सकता है, हो सकता है क्या, अगर मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर चांसेस इसमें ही है, वरना पॉसिबिलिटीज़ एक और, एक ही पॉसिबिलिटी है उसके मरने की, वो भी मैं आपको बताता हूँ।
ज़्यादा चांसेस ये हैं भाई। मैंने अब मना किया था कि गैलरी में नहीं बांधना उसको, लेकिन थोड़ी देर के लिए बांधा उन्होंने और ये हो गया। लेकिन क्या अब हो सकता है वो चीज़ आई हो, एंटिटी आई हो जॉनी ने उसको, क्योंकि कुत्ता ये चीज़ें देख लेता है, कुत्ता वो चीज़ें देख लेता है जो हम लोग नहीं देख पाते, तो हो सकता है जॉनी ने उसको देखा हो और वो मैं घबरा गया हो कुछ ऐसा, और जॉनी बर्दाश्त ना किया हो, जॉनी को उस चीज़ ने नुकसान पहुंचा दिया तभी वो मरा है। लेकिन अब एक तो ये वजह कि हो सकता है जॉनी ऐसे मरा और कि उस चीज़ को पसंद नहीं आया कि यहाँ पर कुत्ता है, कुत्ता एक नापाक जानवर है जैसे कि आप लोगों को पता है, हम सिर्फ उसको दो सूरतों में पाल सकते हैं, एक आप घर के बाहर पालो या आप सेफ्टी के लिए पालो, तो हमने बेसिकली सेफ्टी के लिए पाला था परिंदों वरिंदों के लिए, और सच बात शौक भी था सही है परिंदों के लिए भी, हमारे परिंदे वरे में गायब हुए थे, बिल्लियाँ विल्लियाँ घर में आ जाती थी, वो भी बड़ा मसला करती थी, बच्चों को मारती थी बिल्लियाँ, मतलब आती नहीं किसी के मुँह पर निशान मार दें, किसी छोटे बच्चे घूमते थे सोए हुए होते मुँह पर निशान मार दिया, चिड़िया वड़िया हमारी तोते वोते लेके चली गए, तो इस वजह से हमने इसको रख लिया था। अब एक वजह यह हमारी गैलरी में ना सुबह के वक्त आती हैं तम्बूड़ियाँ। अब जिसको नहीं पता तम्बूड़ियाँ क्या होती हैं भाई, एक मक्खी टाइप होती है लेकिन थोड़ी बड़ी साइज़ की होती है, काली भी होती है ब्राउन भी होती है, ये आती हैं हमारी गैलरी में ना वजू खाना बना में बेसिकली। अब उस वजू खाने में ना हल्का पानी टपकता रहता है, हल्का हल्का मतलब ना कहने के बराबर तो इतना टपकता रहता है, मतलब एक कतरे का भी ना वो दसवां हिस्सा खेला तो इतना टपकेगा। अब वो सुबह अक्सर सुनने में आता है कि पानी पीने के लिए आती हैं वहाँ, तो हो सकता है जॉनी के पाँव पर जो जख्म था वो उन्होंने पाँव पर उसके काटा हो, तो जॉनी ने अपने आप को मतलब ख़ारिश होती है ज़ाहिर सी बात है दर्द होता है, उसने अपने आप को काट लिया हो, जॉनी ने मतलब काटेगा वो ऐसे तो नहीं लेकिन काट लिया हो, ख़ारिश वारिश कटेगी, लेकिन इसमें इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि एक काटे नहीं आ सकता था, अगर वो काटता ना उसका पाँव डैमेज हो जाता बिल्कुल भी होता ना, वो अपनी हड्डी तोड़ देता पाँव की, गोश वोश फाड़ देता सब करता, लेकिन मर नहीं सकता था यार, मर नहीं सकता था, ये पूरी गैलरी है। लेकिन अब सही बात तो अल्लाह का इल्म है, हमारे अभी जो कुछ भी नहीं है, जो हमें लगता है हमने बताया। लेकिन अब मैं आपको बताऊँ ये घर मशहूर है इस इलाके में जिस घर में हम हैं, कि यहाँ पे फैमिली जो आई हैं वो मतलब एक दो महीने तक नहीं रही सही से, मतलब एक दो महीने में चली गई वो फैमिली सही है, वहाँ पर उनको सही नहीं लगता था कि भाई सही नहीं है ये। अब हमारे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, जॉनी के साथ हुआ या नहीं हुआ ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे साथ मेनली इंसानों के साथ जो हमारे घर में सारे लोग हैं उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, तो हमें नहीं पता कि वो चीज़ अच्छी है बुरी है, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो इस घर में रह रहे हैं अल्लाह का शुक्र, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन सही बात तो अल्लाह ताला ही जानते हैं और हम और कुछ नहीं कर सकते, हर किसी को जाना है और भले वो इंसान हो जानवर एक ना एक टाइम तो सबका आता है। तो वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, चैनल में नो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।